दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मोबाइल फोन से बुध पूर्णिमा का पोस्टर बनाना बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सल लैब ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ डाउनलोड लिंक पर टच करके बुध पूर्णिमा के PLP फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट पर टच करना है। यहाँ नीचे ओपन PLP फाइल, इस पर टच करना है। यहाँ PLP आइकन पर टच करना है। यहाँ डाउनलोड फोल्डर को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ बुध पूर्णिमा के PLP फाइल को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ ओपन एंड एड, इस पर टच करना है। अब आपको मोबाइल स्क्रीन पर बैक पर टच करना है। यहाँ पिक्सल लैब स्क्रीन में बुध पूर्णिमा का PLP फाइल ऐड होकर ओपन होगा। अब यहाँ आपको अपना नाम और फोटो को ऐड करना है। ये सब करने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में लेयर आइकन पर टच करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में सभी लेयर ओपन होगा। यहाँ आपको टेक्स्ट के सामने 4 आइकन दिखाई देगा। यहाँ आपको एडिट आइकन पर टच करना है। यहाँ आपको पेंसिल आइकन पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है और ओके पर टच करना है। यहाँ पर आपको अपना PNG फोटो ऐड करना है, लेकिन यहाँ पहले से मौजूद फोटो है, उसे यहाँ डिलीट आइकन पर टच करके डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको फिर से लेयर आइकन पर टच करना है। अब आपको यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लस आइकन पर टच करना है। यहाँ आपको फ्रॉम गैलरी पर टच करना है। गैलरी में से आपको अपनी PNG फोटो को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ नीचे राइट आइकन पर टच करना है। अब आपको यहाँ PNG फोटो पर टच करना है। यहाँ आपको फोटो पर टच करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर पकड़ कर लाना है। इस फोटो के नीचे राइट कॉर्नर में डॉट पर टच करना है और टच करते हुए आपको ऊपर की ओर खींचना है। अब इस PNG फोटो पर टच करके इसे नीचे राइट कॉर्नर में लेकर आना है। यहाँ अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अब आपको इस फाइल को सेव करने के लिए आपको ऊपर में लेफ्ट साइड में सेव आइकन पर टच करना है। यहाँ आपको सेव एज इमेज पर टच करना है। यहाँ आपको नीचे में सेव टू गैलरी पर टच करना है। अब आपका पोस्टर HD क्वालिटी में गैलरी में पिक्सल लैब फोल्डर में सेव हो जाएगा। जी हाँ, दोस्तों, इस तरह से आप मोबाइल में पूर्णिमा का पोस्टर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।